अब हमने ठाना है शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फर्स्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता, क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फर्स्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। बिजली, पानी व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं वार्ड 19 के लोग। कागजी नजर आ रहे हैं विकास के दावे। नगर परिषद धौलपुर का वार्ड 19 मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। GT रोड से सटा यह वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां पक्की सड़कों की जगह सिर्फ धूल और मिट्टी ही दिखाई देती है। बारिश के दिनों में तो परेशानी और बढ़ जाती है, या यूं कहें कि बरसात के दिनों में तो यहां आवागमन ही बाधित हो जाता है। इस वार्ड में नालियों के अभाव के चलते घरों में गंदा पानी जगह जगह फैला रहता है। इससे मच्छर मक्खियां होने से बीमारी फैलने का भी डर होना भी लाजमी है। इस वार्ड की सीमा क्षेत्र की बात करें तो GT रोड स्थित HP पेट्रोल पंप से पूर्व की ओर पप्पू कुशवा के मकान तक, यहां से उत्तर की तरफ मंडी मोहल्ला अजमेर सिंह जाटव के मकान तक, यहां से दक्षिण की तरफ अमित सागर के मकान सागरपाड़े तक, यहां से उत्तर की तरफ GT रोड ओवरब्रिज तक, यहां से रहना होटल तक। इस वार्ड की जनसंख्या लगभग 4000 है। वहीं इस वार्ड में मतदाता करीब 950 हैं। यह आबादी पूर्व में वार्ड 16 में शामिल थी, जो नए परिसीमन के बाद अब वार्ड 19 में जोड़ दी गई है। संवाददाता प्रिंस परमार द्वारा इस वार्ड की जमीनी हकीकत जानी गई तो यहां विकास के नाम पर सिर्फ पिछड़ापन ही देखने को मिला। इस वार्ड के लोग इतने परेशान हैं कि मानो किसी पिछड़े ग्रामीण इलाके में रह रहे हों, जिसका शहरों से दूर दूर तक कोई जुड़ाव ना हो। हालात देखने पर मानो ऐसा लग रहा था कि इंसान तो क्या यहाँ जानवर तक रहना पसंद नहीं करें। लेकिन कहते हैं कि मजबूर की मजबूरी हर कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ की निवासियों का कहना है कि अब तक यहाँ जितने भी पार्षद आए उनमें से किसी ने भी इस वार्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वार्ड को कागजों में बिल्कुल ही समस्या मुक्त मान लिया था। यहाँ के लोग पानी, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बारिश के समय में घरों से बाहर निकलने में भी कतराते हैं, क्योंकि यहाँ पक्की सड़कें नहीं हैं, घरों के सामने कीचड़ जमा रहता है। नगर परिषद के चुनाव में इस वार्ड में कांग्रेस से राशिद खान, BJP से गुड्डू निसार और बसपा से मुकेश कुमार ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ की जनता ने मुकेश पर भरोसा जताया, जिनसे वार्डवासियों को विकास की उम्मीद है। अब आप खुद ही सुनिए यहाँ के लोगों की जुबानी, बाढ़ के जमीनी हालातों की कहानी। देखो, गली में कीचड़ हो और मट्टी घर में जाए और गिट्टी पानी में समा जाएंगे, मोड़ा गिर पाते हैं, रपट जाए हैं। मैं पता है तो ये रोड बनाना चाहिए। हाँ, इतने का प्रार्थना कर रहे हैं हम तुम्हारी। कहा नाम है तुम्हारो? सीमा। वार्ड नंबर 19। अच्छा, क्या दिक्कत है? रोड ना आते हो, जामन नाली ना नहीं आते। अच्छा, परेशान है, बच्ची बच्चा खराब है जाते हैं। कहा नाम है तुम्हारो? सी। वार्ड नंबर 19। अच्छा, बाढ़ की क्या समस्या है? अरे साहब, बहुत समस्याएं हैं, इसमें कीचड़ होता है और बहुत परेशानी आ रही है। अच्छा, चलने फिरने में। अच्छा, तो वार्ड मेंबर आपके काम नहीं कराते हैं क्या? नहीं नहीं, वार्ड मेंबर साहब तो काम कब कराएंगे? अच्छा, उनके हद में कोई काम आएगा तभी तो कराएंगे। इससे पहले जो वार्ड मेंबर थे उन्होंने कुछ नहीं कराया। अच्छा,
वो तो वार्ड को देखने भी तक नहीं आए 5 साल के अंदर। अच्छा। के कैसा वार्ड है हमारा, जीत के नहीं अपने आराम से घर पे ही रहे थे। बोलो नाम बताओ। हम भैया सीताराम बोल रहे हैं महात्मा नंदी बगीची से। 19 वार्ड थे, रोड की समस्या खराब है, रोड डरना चाहिए हमारी गली में, और विकलांग आदमी परेशान है साहब। अच्छा, तो वार्ड में मत जा चाहिए कहीं ना, तो उन्होंने आज तक अब कही है साहब, अब काकर को करवाना। मेरा नाम सोनू निषाद है, माधव नंदी बगीची में 19 वार्ड से रहने वाला व्यक्ति हूँ। हमारे गली में नालियों की परेशानी है, कीच कचड़ ज़्यादा आए दिन ज़्यादा परेशानी आती है, लोग बाहर निकालने में दूध लेने के लिए सुबह सुबह बच्चे गिरते रहते हैं, ये परेशानी है। नगर परिषद लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी जन सुनवाई की जाए। नाम? राम राम वकील। अच्छा, वार्ड नंबर 19। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है सर के हमारी रास्ता के लिए बरसात में पानी भर जाता है, बच्चे पढ़ लिख नहीं जाते, कोई पटक खाता घुरता है। अच्छा। रास्ता में सबसे निकलनी ना कोई नाली की रास्ता है, ना कोई पानी निकलने की रास्ता है बिल्कुल। तो अब तक जितने वार्ड मेंबर हुए उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया सर? अभी तक हमारे वार्ड मेंबर अभी तक गली में किसी ने मिट्टी तक नहीं डाली है। तो अब जो मौजूदा वार्ड मेंबर हैं उनसे आपको क्या अपेक्षा है? अपेक्षा ये है कि हमारी रास्ता को बनवाए और कहते हैं नाली भारी व्यवस्था की सुविधा करवाएं, ये अपेक्षा करते जाते हैं हम। नाम नेमीचंद, वार्ड नंबर 19। हमारे वार्ड में कीचड़ और नाली, एक तो नाली की समस्या है क्योंकि पानी का निकास नहीं है, दूसरी बात गलियों में करंजा नहीं है, उससे कीचड़ में निकलने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, ताकि ये नगर परिषद ने जो शासन दिए हैं उनको सभी को पूरा करें। क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता। वार्ड नंबर 19। अच्छा, क्या दिक्कत है? गली में कीचड़ होता है, बच्चा पढ़वे से परेशान हो रहे हैं। अच्छा। बच्चा कुपड़ रह गए, गिर जाते ना बिल्कुल, मौसम लोगों को बहुत परेशानी है, कड़वे को बिल्कुल रास्ता ही नहीं है। अच्छा, तो बाट में से कही होगी पर पता है ना है मैंने कहा करो। क्या नाम है तुम्हारा? गीता। जोते बोलो। गीता। अच्छा, वार्ड नंबर कौन सा है? 19। अच्छा, क्या समस्या है तुम्हारी वार्ड की? बच्चा परेशान होते जाता है। अच्छा, पानी भर रहा है और क्या दिक्कत है? नाली भाली ना आदि परेशान ही ना। नाम का है तुम्हारा? माया। वार्ड नंबर कौन सा है? 19। अच्छा, क्या दिक्कत है तुम्हारी? ए भैया जहाँ गोटू गोटू पानी भर रहे तो समझ लो भारी परेशान है। अच्छा, तो जहाँ गोबर उड़ा रहे भैंसियाँ नहीं बांध रहे बच्चा नहीं कुछ नहीं परेशान है, और नाली होना चाहिए जहाँ खरंजा होना चाहिए। अच्छा। और कहा हो तो बताओ। नाम? लब्बू राम। अच्छा, वार्ड नंबर 19। समस्या क्या है वार्ड में? हमारी गली में बहुत खर्चा है, रो आदमी को कड़वे के काजे गैल नहीं है। अच्छा, और जी नाली है पानी कड़वे के काजे नाली की। अच्छा। हाँ, नाली नहीं तो होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए तो ये पानी कड़ जाए करे। पहले पार्षद से ये बात कही नहीं थी क्या आपने? वो कह तो होते हैं पर जो कुछ आवे स्कीम आवे तभी तो कुछ हो। पहले पार्षद ने क्या करवाया था? पहले तो आए ही ना देखे का रहो। अच्छा, बताओ। प्रभु जी निषाद, वार्ड नंबर 19, नगर परिषद धौलपुर से। हमारे वार्ड में वैसे पार्षद ने मतलब काफ़ी प्रयासों से और काफ़ी एप्लीकेशन वगैरह लगा दी हैं नगर परिषद में, तो उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि बरसात में या बरसात के बाद आपका काम चालू हो जाएगा। अच्छा। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी कार्य हो जाए, तो बच्चों परेशानी हो रही है। तो वार्ड में समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं साहब, एक तो नाली की समस्या ज़्यादा है, नाली की मतलब बगली में है नहीं, क्योंकि पानी आता है बरसात का भी तो करने की कोई रास्ता नहीं है। अब रोड पर पानी आ जाता है तो लोग वहाँ परेशान होते हैं, ज़्यादातर भर जाता है और यहाँ घरों में पानी भर जाता है, निकासी हो तो उससे पानी बाहर चला जाए। इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने क्या करवाया? उन्होंने साहब इधर क्षेत्र में तो देखा भी नहीं है, और ये डली हुई है हमारे मोहल्ले वालों ने सब ने, और मतलब जो हारे हुए पार्षद उन्होंने मुकेश कुमार जी ने मतलब एप्लीकेशन लगा करके ये रोड तो डलवा दिए मंदिर की तरफ और ये इधर सारपाड़ी तरफ, लेकिन उन्होंने इधर देखा भी नहीं था। और शायद अब उम्मीद है हम इस पार्षद 5 साल में और नगर परिषद से हमको कुछ राहत मिले साहब, जहाँ से जनता को परेशानी ना हो और नगर परिषद जल्दी से जल्दी हमारे नाली खरंजा और ये थोड़ी बहुत सीवर लाइन रह गई हैं उनको बनवाया जाए। मैं मुकेश कुमार निषाद, वार्ड नंबर 19 पार्षद। मेरे वार्ड में काफ़ी कच्चा हुआ है और ना नाली की सुविधा है और ना ही सीसी की,
अच्छा, इससे पहले जो पार्षद आए थे उन्होंने कुछ काम नहीं कराया कि नहीं? मेरे वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है 5 साल के अंदर, इधर वो झकने भी नहीं आए। जब से आप चुनाव जीते हो आपने क्या क्या काम करवाए वार्ड में? मैंने अभी तो जो कोरोना काल में एक तो जो दवाई का छिड़काव हुआ था वो दवाई छिड़कवाई, और सफाई की व्यवस्था जारी है पर डे, मतलब जो सफाई का कार्य है वो करवा रहे हैं, और अपने सीसी के जो लेटर पैड हैं नगर परिषद भेज दिए हैं मैंने काम के लिए। जल्द से जल्द मुझे आशा है कि इस बोर्ड से मतलब कुछ राहत जरूर अवश्य मिलेगी। अच्छा, तो सभापति से अभी तक आपको सहयोग कितना मिला है? सभापति जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो अपने बाढ़ के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये कहा है कि आप जल्द से जल्द आपके 5 साल के अंदर आपका बाढ़ सब बाढ़ों में अच्छा रहेगा। तो पूर्व पार्षद जो थे उनकी आप कार्यशैली को किस तरह देखते हैं? अब मैं तो उनसे अपेक्षा यही करता हूं कि अगर कोई भी पार्षद हो या कोई भी हो तो कभी भी भेदभाव की दृष्टि से ना देखे, सब लोगों को एक समान, और बाढ़ में अच्छे से विकास का कार्य किया जाए। जो पद आपको मिला है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के प्रति अच्छा रहे। और बाढ़ के प्रति आगामी योजनाएँ आपकी क्या क्या हैं? मेरे बाढ़ में आगामी योजनाएँ जो है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार जो भी स्कीम चला रही हैं लोगों तक पहुँचाई जाएंगी, और जो भी मतलब मुझसे मदद बनेगी मैं उनको करूँगा। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन